पिपराइज थाने की पुलिस ने रात्रि में बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 जुलाई को ग्राम बेलवार थाना क्षेत्र पिपराइज अंतर्गत अभियुक्त चौथी प्रसाद गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र को अपने वाहन से पारिवारिक रंजिश में जान से मारने की नीयत से वाहन को चढ़ा दिया, जिससे महावीर की मौके पर मृत्यु हो गई व पत्नी घायल हो गई, जिसके संबंध में थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको मुखबिर की सूचना पर विकास भारती तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त रात से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी वरिष्ठ उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक अशोक सिंह, हेड कांस्टेबल हबीब अहमद, कांस्टेबल प्रदीप कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि थाना पिपराइज के ग्राम बेलवा में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त चौथी राम ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र के ऊपर कार चढ़ा दी थी, जिसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त चौथी राम आज विशेष प्रयास करके थाना पिपराइज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मेडिकल कराकर जेल भेजा गया।